एक लव रोमांटिक और उसमें इमोशनल टच है, और वैलेंटाइन्स जो भी मनाते हैं ना उनको ये एक एक्चुअली में क्या होता है, मालूम आजकल की लव स्टोरी बहुत डल हो चुकी है और लोग ने ना प्यार को मजाक बना के रखा है, तो इसको हम दर्शाना चाहते हैं और हमारे सॉन्ग के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि प्यार में कुछ ख़त्म नहीं होगा। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। दूरियां हमारे बीच कुछ ऐसी हो गई है, जिंदगी की मेरी सारी खुशियां खो गई है, मैं हर पल ये कश्मकश में क्यों जी रहा हूँ। दरमिया 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 तेरे मेरे फासलों के दरमियाँ, इस तरह का सॉन्ग है, थोड़ा सा इमोशनल। मेरा गला खराब है एक्चुअली, हम लोग ने सफर करके है गोवा का, तो इसके लिए। आप इस तरह की गाने को रिकॉर्डिंग करते हुए कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा रिकॉर्डिंग का थोड़ा बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में तकलीफ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा पुणे में एक इवेंट था, वो पुणे के इवेंट से पहले मैं एक दिन प्रैक्टिस किया पूरी रात, फिर पुणे में जाने के बाद 6 बजे से लेके मैं 3 बजे तक प्रैक्टिस किया, 6 बजे मेरा फिर 5 बजे इवेंट था। वो इवेंट करने के टाइम पे क्या हुआ, 2-3 वहाँ पर लोग आने वाले थे मगर एक्चुअली मैं वो आए नहीं, तो मुझे कंटिन्यूसली वो लोगों ने 2.5 घंटा गवाया, जिससे मेरा गला बिल्कुल ही टायर्ड हो गया था, थक चुका था। उसके बाद भी रात में क्या हुआ, मेरे को सेकेंड डे रिकॉर्डिंग थी यही गाने की, तो मुझे रात में फिर प्रैक्टिस करना था, तो मैंने रेस्ट नॉन रेस्ट देते हुए मैंने अपने गले को ख़राब कर लिया। फिर वहाँ से कंटिन्यू मैं सफ़र करा कार में, फिर कार में सफ़र करके डायरेक्ट मैं स्टूडियो पहुँचा और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ, तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो बहुत हुई, और उसके लिए मुझे जो फील करना था मैं अपना वो समझ लो 90% मैं दे पाया हूँ, और कोशिश ये है कि उसको और बेहतर करूँ, और कोशिश तो शायद आप लोग ही काम कर सकते हो, नाकामी तो नहीं है कुछ, हम लोगों ने साथ में मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पर। ओके, कब तक ये गाना आ जाएगा, ये थोड़ा सा? 14 फेब हम लोग ये डेट इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि लवर्स का डेट है, प्यार करने वालों का डेट है, और मैं चाहता हूँ मेरे, मैं फ़ैन तो नहीं कहूँगा, मेरी फैमिली जो है, जो भी मुझे प्यार करती है, मेरा काम देखना चाहती है, उनके लिए गिफ्ट है। और जैसे कि इन लोगों को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि मुंबई में या फिर ये इस गाने के थ्रू अपना कमबैक करें, और टैलेंट को मैं तो हमेशा से सपोर्ट करता हूँ, चाहे कोई भी हो, जिसको भी आना है, अरमान का सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहेगा, और सिर्फ वो जज्बा और वो जुनून लेके आओ कि हमको कुछ करना है, बस करना है, फेम वेम नहीं, एक जज्बा लेके आओ, करना है तो वो करना है बस। आपने कहा कि ये आजकल का जो लव है वो खत्म होते जा रहा है, तो किस तरह का लव खत्म हो गया, थोड़ा सा बताइए। वो जैसे कि अगर मैं ये ऑडियंस देख रही, तो ऑडियंस को अच्छे से पता होगा कि आजकल 15 साल के बच्चे, 20 साल के, जो भी 15 से 20 साल के जो जनरेशन है, उनमें क्या होता है, 2 महीने का प्यार होता है, कॉलेज का प्यार होता है, स्कूल का प्यार अलग होता है, 2 महीने बाद कोई और डबल डेट होने लगी आजकल, तो वो प्यार नहीं रहा है जो एक ज़माने में हुआ करता था, वो प्यार नहीं रहा है। तो वो एक्चुअली प्यार क्या होता है कि अगर प्यार करते हो ना तो जियो उसके साथ, अगर नहीं जी रहे हो, कोई मर गया है तो भी तुम जियो उसके साथ, अगर मर गया तो लोगों का थिंकिंग क्या होता है, अब ये ख़त्म हो गया इसकी लाइफ, जैसे दुनिया में कोई आया ही नहीं था, तो ये फील करो वो जाने के बाद भी कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है, जब तक तुम उसका इंतज़ार करो कि तुमको जाना है उसके पास, तुम उनके पास जाने के बाद फिर हमेशा उनके साथ रहोगे, तो ये एक प्यार होता है, तो ये प्यार हम उस छोटी सी क्लिप में और छोटे से सॉन्ग में हम बताना चाहते हैं। ओके, मतलब आप वैलेंटाइन डे के दिन प्यार बताना चाहेंगे जो लोग भूल चुके हैं। करेक्ट करेक्ट, ये हमारा मोटिव है वो बताने के लिए, जो आजकल कल की जनरेशन को हम चाहते हैं कि वो समझ जाए बहुत अच्छी तरीके से। ओके, जो मॉडल्स हो गए जो, उनको आप इंट्रोड्यूस कराइए, कौन है थोड़ा सा वो बता दीजिए। विक्की ये भोपाल से है, और इन्होंने मेरा काम देखा था, मेरे गाने देखे थे, तो विक्की मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए, मुझसे बात की, और मुझे लिटरली क्या होता है मालूम, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अननोन मैं रिसीव नहीं करता हूँ, मगर एक्चुअली एक्चुअली ये लोग का क्या हुआ कि मुझे सामने से कॉल आया, मैसेज आया, तो मैंने बात किया, और उनका नेचर मुझे इतना पसंद आया, और इनका काम, इनका जो जज्बा था, जुनून था ना, जैसे कि मैंने बताया, वो मुझे चाहिए था कि कोई बंदा बोलता नहीं अरमान भाई मेरे को करना है, मैं करूँगा, तुम जो बोलोगे वो करूँगा, तो ये उन दोनों में था, ये विक्की और ये ज्योति, वो अपने काम को लेके इतने पैशनेट है, उनको मैंने 3-3 दिन की रिहर्सल दिया था, उन्होंने 3-3 दिन रिहर्सल किया उस चीज़ को, हर शॉट में मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर उनको चिल्ला भी देता था, लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया कि मतलब ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं सब, हम लोग को करने नहीं दिया जा रहा है इस तरीके से, तो ये बहुत बेहतरीन जोड़ी है, और मुझे ये अपने अंदर से लगता है कि ये लोग आगे जाएंगे बहुत। थोड़ा सा आप बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस गोवा में शूट किया,
थोड़ा वो बताइए कैसा रहा। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और जाने के बाद इतना थक गए हम लोग, ट्रैवल ऐसे हुआ कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज़्यादा इतनी थकान हो गई थी वहाँ जाके, लगा कि शूट कैसे करेंगे क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी शूट किया हम लोगों ने, रात में जाके रात में शूट किया, डे में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। ओके, आप डेब्यू कर रहे हैं इस सॉन्ग से, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितने नर्वस थे और कहाँ से आपने सीखा, मतलब जो एक्सप्रेशन लाना, लव लाना, प्यार, वो थोड़ा कुछ बताइए। एक्चुअली क्या था ना, ये सॉन्ग तो मेरे लिए फर्स्ट सॉन्ग है, और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अरमान सर और इस्माइल सर से जो भी इन्होंने मुझे बोला कि बस एक कैमरे को फेस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम लोगों ने मतलब हम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा है कि हम लोग वो कैमरे को देखा ही नहीं, और जो सर ने बोला कि आपको कैमरा महसूस नहीं करना है, बस आपको अपनी लव स्टोरी में खो जाना है पूरा, तो हमने वो ही किया और परफेक्ट शॉट भी दिए, वन टेक करा शॉट में, और बस अब लोगों से सपोर्ट चाहिए, हमारा ये गाना बहुत ऊपर तक पहुंचे बस। ओके, 14 फरवरी को ये गाना रिलीज होगा, तो आप आर यू नर्वस दैट डे कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों को आपके, और क्या आप लोगों ने देखा है कि जो रॉ फुटेज आया रहेगा वो देखा रहेगा, पूरा एडिटिंग हो चुका रहेगा अभी तो देखा है आपने? एक्चुअली अभी तो हम लोग ऐसा कुछ देख नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं मिला इतना, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारा शूट किया, बहुत काम किया, और अभी भी हम लोग, अभी हमारा कुछ शूट बचा हुआ है तो वो हमें कल कंप्लीट करना है। ओके, ये सॉन्ग को जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्शन भी आपने ही किया है, डायरेक्शन हमारे मतलब आपने उनको बताया पूरा? हाँ, वो थोड़ा मैं सजेशन देता था और एक्सप्रेशन के हिसाब में थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश करता था कि बेटर बेटर बेटर, और मुझे कॉन्फिडेंस था उन पे कि और बेटर कर सकते, तो मैं छेड़ता था उनको कि हाँ ये करो। डायरेक्शन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, नायरो उनका नाम है, और बहुत अच्छा डायरेक्ट करते, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, गोवा है हमारे साथ, और उन्होंने जो जो सीन लिए, पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कर क्या रहा है बंदा यार, मतलब इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, लेकिन जब कैमरे में, इन लोगों ने तो शॉट नहीं देखे, मैंने देखा हूँ मोस्टली वो चीज़, तो वो कैमरे में इतने खूबसूरती से वो बंदे ने शॉट लिया है ना, तो उसको सैल्यूट देना चाहता हूँ, नायरो नायरोत्तम बहुत अच्छा एडिटर और डायरेक्टर है। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कोई बड़ा बैनर नहीं है, ली नहीं है, टी सीरीज नहीं है, उसके बावजूद आप लोगों ने शूट किया, गोवा में जाके आप गए, पंजिंग में गए, किस तरह से मैनेज हुआ बजट आप लोगों का? ये सीन ऐसा है कि देखो, जी म्यूजिक का जो है, मैं तो ऑन टीवी बोल रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जी म्यूजिक से भी मेरी बात हो चुकी थी और मैंने ऑडिशन दिया था, तो वहाँ से मुझे एग्रीमेंट का वो सब आया था, तो वो एग्रीमेंट जो है ना, वो एग्रीमेंट वाली ज़िंदगी, अरमान मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और हम दोनों जो है एग्रीमेंट वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, हम हर उस शख्स के साथ काम करना चाहते हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम ऐसा ज़बरदस्ती किसी को खींच के काम नहीं करना चाहते, हम इसके साथ काम करना चाहते जो हमारे साथ काम करना चाहता, तो ये रीज़न है, तो जो भी मसलियत थी वो अल्लाह के ऊपर थी और अल्लाह ने वो काम कराया, और हमारी तरफ की कोशिश थी तो अल्लाह ने उसको कामयाब कराया, बस यही कहना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, जो है हमारी जो मेहनत लगी है विदाउट किसी बैनर के और विदाउट किसी टीवी के या कोई भी प्रोडक्शन हाउस के बिना हम लोगों ने ये जो किया है, तो इस मेहनत को थोड़ा चांद तक नहीं, एटलीस्ट तारों तक तो पहुंचा दो। सर, आप किस तरह से जुड़े इस सॉन्ग से, थोड़ा कुछ आप अपने बारे में, थोड़ा सॉन्ग जुड़े, आपने लिरिक्स लिखा है इस सॉन्ग की, और कैसा रहा एक्सपीरियंस वैलेंटाइन डे पर, मतलब लव एंड अफेक्शन एक साथ लाना? वैलेंटाइन डे, ये तो एक मतलब एक नॉर्मल सी बात हो गई है, वैलेंटाइन डे तो सब मनाते हैं, और वो क्या है, कुछ चंद मिनट का खेल होता है, गुलाब दिया, गिफ्ट दिया, हो गया, वो प्यार हो गया, लेकिन मैंने जो गाने में वो लिखा है तो मैंने वो स्टोरी के हिसाब से बयां किया है कि किस तरीके से जो ओरिजिनलिटी होती है प्यार में, पहले जो होता था एक जेन्यून और ओरिजिनल प्यार, कि एक ही कपल होते थे, वो जीते अपने लिए थे, मरते अपने लिए थे, लेकिन आज की ज़िंदगी में क्या होता है कि एक घंटे में शीला तो दूसरे घंटे में रीटा, तो ये सब मतलब चल रहा है, तो जो स्टोरी इन्होंने बताई थी तो वो हिसाब से मैंने गाना लिखा है, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, खुद मुझे वो गाना बेटर लगा, तो बाकी तो अरमान भाई ने हाँ किए, फिर हम गोवा गए, वहाँ पर शूट किया, और हमारे विक्की भाई और ज्योति, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट किया उसमें, काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे।
ओके 12-13 में आप काफी एक्टिव थे और बीच में आप नॉन एक्टिव हो गए फैंस, उसके बारे में क्या हुआ था, मतलब कुछ परेशानी आई थी, क्या हुआ था आपका, क्या दुखी हो गए थे लाइफ में, क्या हो गए थे? दुखी नहीं, मेरी एक, मैं सच बोलूँगा कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, मैं फाइनेंशियल बहुत वीक हो गया था. क्या हो गया था, मैं यूट्यूब से और हर चीज़ से सोशल मीडिया से इतना कनेक्ट हो चुका था कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था. और मेरी क्लास जो है, मेरा घर जो है मिडिल क्लास से है, तो वो क्या होता था कि मैं घर में कुछ नहीं दे पाता था, फिर घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता. तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भटक चुका था. और उस टाइम पे मैं 2013 में बहुत अच्छी ट्रेंड पे था, और अगर काश मैं उस टाइम से अपना मेंटेन रखता तो शायद मैं अभी कुछ अच्छे मकाम पे होता. तो वो ख़त्म होने के लिए फिर बीच में हम लोग क्या हुआ, स्टॉप हो गया और अचानक से गायब हो गया. तो लोग मेरे को भूल गए, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे और आज 70,000 है. तो वो मैंने बहुत नुकसान उठाया, और वो 70,000 में से भी अगर मैं कोई वीडियो भी पोस्ट करता हूँ तो मोस्टली उतने व्यूज़ उसको नहीं आ पाते. तो ये मेरा मोटिव है कि मैंने अभी कम बैक किया. तो मैं इंशाल्लाह, पहले घर से थोड़ा प्रॉब्लम थी, अब घर से पूरी तरह से सपोर्ट है, मम्मी का और डैडी का, भाई का, हर लोगों का, मेरी बहनों का, सबका सपोर्ट है. तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनका सपोर्ट अब मिला है तो मैं बहुत आगे जाऊँ और कुछ हासिल कर लूँ. ओके, वैलेंटाइन की बात करें तो असल जिंदगी में आप लोगों को प्यार हुआ है कि नहीं? या बताना पड़ेगा आप तो. बताओ, ये लवर बैठे हैं, आपसे पूछा है, आपसे पूछा आप है, बताइए आप प्यार देखो, इतना गाना इमोशन बनाया तो प्यार तो हुआ ही होगा. प्यार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक इमोशनल वो कनेक्शन होता है. प्यार तो सिवाय माँ बाप के किसी से नहीं होता है. मेरे नज़रिए के हिसाब से माँ बाप ही सच्चा प्यार है, और माँ बाप से ही मोहब्बत करनी चाहिए. और शायद उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, जो मैंने मेरे गाने में बताया ना, एक्चुअली वो मदर फादर की. और अगर माँ की जैसी बीवी और हस्बैंड जो है बाप की तरह मिल जाए तो वो लव स्टोरी बहुत अलग लेवल की होती है. तो प्यार जो है एक इमोशनल कनेक्ट है, और वो इमोशनल कनेक्ट मुझे है किसी से, तो मैं रिवील नहीं करूँगा, वो मेरे घर वाले भी जानते हैं, तो हम लोगों में ऐसा कुछ छुपा नहीं है. ऐसा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगा. मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और शाहरुख भाई का भी. तो मेरा एक ड्रीम है, मैंने कोशिश बहुत किया हूँ सलमान भाई से, तो हम लोग बीच में दबंग के लिए काम करने भी गए थे, तो सोहेल भाई से भी उस टाइम पे थोड़ी सी बात हुई थी. तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए. मैं जैसे कि बता रहा हूँ, मैंने एक बॉलीवुड लेवल तक काम कर चुका हूँ, तो सलमान भाई मेरा ड्रीम है कि मैं उनके लिए कोई गाना गाऊँ. और मेरा एक जॉनर है जो सलमान भाई गाना करते हैं ना, तो वो वाला मेरा जॉनर है. दारियां घोगे पैमाने पैमाने, दारियां घोगे दो दो जिंदा है मैं खाने, मैं खाने दारियां घोगे.